अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रहबर खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोनटो के बारे में जो है वो डिटेल्स इसके यूज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो देखिए फोनटो डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा ये। इसका फ्री वर्ज़न डाउनलोड कर लीजिए, पेड वर्ज़न कोई ज़रूरी भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं प्रो वर्ज़न चाहिए, प्रो वर्ज़न चाहिए, तो ये प्रो वर्ज़न इसका कोई काम का है भी नहीं, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। तो सिर्फ इसका फ्री वर्ज़न जो है वो डाउनलोड कर लीजिए उसको प्ले स्टोर से, और मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फोनटो ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए फोनटो का यूज़ क्या है। फोनटो का यूज़ है कि आपकी फ़ोटो में आपको कुछ भी चीज़, जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट आपको डालना है, स्टेटस डालना है, तो ये जो फोनटो है इसके लिए यूज़ होता है। तो आप इससे PNG भी बना सकते हैं, टेक्स्ट PNG जो है वो जो बनती हैं आप देखते होंगे बहुत से फ़ोटो में, CV एडिट्स में देखते होंगे ज़्यादातर, जो बाजू में जो थोड़ा बहुत लिखा रहता है जो PNG वो इसी से बनती हैं। और कई जो क्रिएशन वाली जो एडिटिंग रहती हैं उनमें भी PNG जो बनती हैं वो भी इसी से ही बनती हैं। तो इसमें देखते हैं अपन क्या है। तो आपको देखिए ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर मिलेगा आपको गैलरी ओपन करने का, लोड इमेज का, और इधर सेटिंग है। तो आप सिंपली ये ब्लैंक स्पेस में भी टच करके आप यहाँ से लोड इमेज कर सकते हैं। तो यहाँ से लोड न्यू इमेज फ्रॉम डिवाइस, आप डिवाइस से एक इमेज ले सकते हैं जिसमें आपको फॉन्ट डालना है डायरेक्ट, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको प्लेन इमेज में कुछ PNG बनाना है या कुछ स्टेटस बनाना है तो आप यहाँ से प्लेन इमेज ले सकते हैं। अगर आपको कुछ वाटरमार्क वगैरह कुछ लगाना है तो आप इमेज में भी जाके उसे ले सकते हैं इमेज आपकी डायरेक्ट। तो मैं सिंपली प्लेन इमेज से आपको समझाता हूँ। तो प्लेन इमेज में जाएंगे हम, मैं यहाँ ले लेता हूँ वाइट कलर का पेंट ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर में जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ साइज आ गए आप बहुत सारे। तो यहाँ से आप साइज़ ले सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट वगैरह हर साइज़ है इधर। और यहाँ से कलर जो है, कलर में जाके आप कलर यहाँ से जो भी आपको रखना है तो रख सकते हैं। तो मैं जो वाइट ही लेना है तो मैं इसे डन कर लूँगा। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत से आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे अलग अलग किस्म के, तो मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारी जो फ़ोटो है वो आ गई है। अब देखिए यहाँ से आप पेन का यूज़ टूल दिख रहा है, ऐड टेक्स्ट का, यहाँ जाएंगे सिंपली और यहाँ आप कुछ जो भी आपको स्टेटस देना है या PNG बनाना है या फिर जो भी है वो आप यहाँ से लिख लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ बाप बाप होता है, इस टाइप की जो PNG है वो बहुत चल रही हैं आजकल एडिटिंग में, CV एडिट्स वगैरह में, सब में ये जो इस टाइप की हैं जो बहुत चल रही हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है और यहाँ देखिए आप एक अलाइन का दिख रहा है आपको ऑप्शन, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट। तो आपको जो रखना है मैं इसे सेंटर रख लेता हूँ। और फॉन्ट यहाँ से भी बदल सकते हैं, अगर आपको यहाँ से बदलना है डायरेक्ट, आपको कोई फॉन्ट आपको पसंद है तो यहीं से आप डायरेक्ट फॉन्ट में जाएंगे, ये थोड़ा सा लोड लेगा। और यहाँ से आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट हैं बहुत अच्छे हैं फिर भी ठीक हैं, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए माय फॉन्ट में जाके आप जो कस्टम फॉन्ट हैं वो इंस्टॉल करके यहाँ से आप आपके फॉन्ट भी ले सकते हैं। तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल और बनाऊँगा कि आप फोनटो में कस्टम फॉन्ट्स कैसे डाल सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए। मैं इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल यही बनाने वाला हूँ और वो ट्यूटोरियल की लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ से एक आध फॉन्ट दूसरा ले लेता हूँ, जैसे ये है, मैं इसे डन कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो है आ गई है
आपका जो टेक्स्ट है फ़ोटो में। अब यहाँ कुछ ऑप्शन आपको देखते हैं, देखिए यहाँ से मैंने टैप आउट कर दिया, इसमें टैप करूँगा तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि यहाँ टेक्स्ट है। अगर आपको फिर से एडिट करना है टेक्स्ट तो यहाँ से सिंपली टेक्स्ट में जाइए, एडिट कर लीजिए। और सेकेंड है यहाँ से साइज़। आप ये फोन एप्लीकेशन में जो साइज़ का ऑप्शन दिया है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप एक PNG बना रहे हैं, परफेक्ट एक लोगो बना रहे हैं, तो आपको ये साइज़ जो है बहुत ही काम का है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ बहुत बारीकी से भी हर एक एक पॉइंट में आप साइज़ सेट कर सकते हैं, तो ये उसी के लिए है। और आते हैं अब नेक्स्ट टिल्ट, इससे आप रोटेट कर सकते हैं परफेक्टली, जितना आपको रोटेट करना है 180 डिग्री तक ये रोटेट होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ से भी आप देखिए एक एक पॉइंट रोटेट कर सकते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे इस एप्लीकेशन की। वैसे अभी ज़ीरो कर देता हूँ और आप आते हैं नेक्स्ट मूव में। मूव भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मूव होता है, इतना सा भी अगर आपको मूव करना है आपके लोगों में, आपकी PNG छोटी छोटे जो बहुत बारीक बर्ड्स रहते हैं उनको मूव करने के लिए बहुत दिक्कत होती, तो आप इससे ही मूव कर सकते हैं। और इसे अलाइन करना है सेंटर में, तो देखिए यहाँ से सेंटर में, जैसे आपके PNG इधर है आपको सेंटर में लाना है तो ऐसा लाइए और यहाँ से ये आला अलाइन कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में आपका जो है टेक्स्ट आ जाएगा, आपको जहाँ एडजस्ट करना करिए। मैं तो जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ जो मैं एडिट करता था उसमें मैं इसी से अपना वाटर मार्क जो है वो डालता था, रेवर आर के फ़ोटोग्राफी वगैरह जो भी है स्टेटस में सब इसी से ही डालता था। तो देखिए अब आ गए हम तीसरे उसमें, अब आते हैं ऊपर जो है फॉन्ट। अगर आपको ये फॉन्ट आपने यहीं से कुछ आपको ध्यान में है कोई फॉन्ट तो आप यहां से बदल सकते हैं, तो आप सिंपली अगर आपको दूसरा रखना है तो फॉन्ट तो यहां से जाके भी आप इसे बदल सकते हैं। तो देखिए मैं बदल के दिखाता हूं, ये फॉन्ट में गए, अब देखिए यहां से भी वही फॉन्ट आ गए और यहां से आपके कस्टम फॉन्ट्स आ गए। तो मैं ऑल फॉन्ट से एक आध फॉन्ट रख लेता हूँ या फिर माई फॉन्ट कस्टम फॉन्ट से एक आध रख लेता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका साइज़ हम यहाँ से कम कर देते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, इसको मूव करके इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। देखिए ये जो है बहुत परफेक्ट जो फिट हो गया है। अब आते हैं हम स्टाइल में, तो ये सबसे मेन टूल है इस पूरे ऐप का। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप आपके जो फॉन्ट का हर चीज़ जो है बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, जैसे शेडो स्टोक बैकग्राउंड स्पेस बढ़ा सकते हैं आप, कर्व कर सकते हैं आपके टेक्स्ट को, और यहां से जो है पूरे कलर आप जो रखना चाहते हैं आपके टेक्स्ट का वो रख सकते हैं। तो देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत यहाँ से एडिट, तो मैंने इसे ऑरेंज कलर कर दिया है। अब जाऊंगा मैं शेडो में और शेडो इसकी ब्लैक कलर की कर दूंगा, देखिए यहाँ शेडो सेलेक्ट हो गई है, यहाँ ब्लैक कलर लिया मैंने, इसका अल्फ़ा बढ़ा दिया, रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ या फिर 1 कर देते हैं, और देखिए ये जो है यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हम स्टोक में, थर्ड वाले में, स्टोक में जाने के बाद मैं इसे स्टोक किस कलर से दूं, ब्लैक से देते हैं, तो देखिए इसका अल्फ़ा भी बढ़ा देते हैं, विड्थ को थोड़ी सी कम कर देते हैं 1% कर देते हैं। तो देखिए ये आप जो कलर का स्टोक देना चाहते हैं वो कलर का दे सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने नीला कलर का दिया, ग्रीन कलर, तो इस टाइप से आप दे सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो है आप अल्फ़ा देखिए देंगे, आप जो कलर का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, कॉर्नर देखिए कर्व करना चाहते हैं और हाइट बढ़ाना कम करना चाहते हैं, विड्थ जो है इसकी देखिए मैं डन करके दिखाता हूँ आपको, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपली यहीं जाइए, अब बैकग्राउंड में जाइए, इसका अल्फ़ा कम कर दीजिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो उसका आप, जैसे स्टोक नहीं चाहिए तो इसका अल्फ़ा कम कर दीजिए, स्टोक चले जाएगा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट है स्पेसिंग। आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है तो यहाँ से आप देखिए लेटर के स्पेस दे सकते हैं और यहाँ से लाइन के स्पेस दे सकते हैं, तो मैं देखिए इसे डन करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइप से ये जो है स्पेस काम करता है। तो मैं स्पेस इसका उतना ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा पास में, लाइन के स्पेस थोड़ा सा दूर,
से ओके कर देते हैं, ये हो गया डन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टाइल में, क्या था कर्व। कर्व तो कोई काम का नहीं है वैसे, बहुत कम यूज़ में आता है ये, जो आपका जो हेडिंग हेडिंग वेडिंग जो रहती हैं पेज की कई, तो उसमें ये काम आ सकता है आपका। बहुत सा इसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अच्छे अच्छे फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लीजिए इसमें, कस्टम फॉन्ट्स, तो उससे भी आप प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें कर सकते हैं आपके स्कूल का वगैरह। तो इसमें इतने ही फंक्शन हैं, और एक और जो फंक्शन है स्टाइल में वो देख लीजिए अब लास्ट, क्रिएट कलर पैटर्न। इसमें अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हर जो 6 टेक्स्ट हैं इनका आप कलर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कलरफुल बना सकते हैं आप। जैसे मैं देखिए ये टेम्पलेट चूज़ करता हूँ एक, ये वाला, इसे डन करता हूँ और इसे भी डन करता हूँ, तो देखिए कलरफुल हो गया पूरा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। फॉन्ट देखिए यहीं से मैं और बदल के दिखा देता हूँ, यहाँ से और बदल देते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। इस टाइप से आप फॉन्ट कस्टम रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल उसमें पूरा बताऊंगा कि कस्टम फॉन्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल होने वाला है नेक्स्ट इसका, क्योंकि ये पिक्सार्ट में भी सेम यही प्रोसीजर जो है लगती है। वैसे इसमें थोड़ा इजी है फोंटो, क्योंकि ये पूरा जो एप्लीकेशन है फॉन्ट्स का ही है, फॉन्ट्स के अलावा इसमें कुछ चीज़ और ऐड नहीं कर सकते अपन। तो फॉन्ट का अगर कुछ भी काम है आपको तो यहाँ से आप PNG वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो फोंटो के से रिलेटेड या फिर कोई भी मेरे जितनी भी वीडियो हैं उनसे रिलेटेड, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।